सीलिंग फैन कैसे रिपेयर किया जाता है, हम इसमें न्यू स्टार्टर लगाने वाला है, किस तरह से न्यू स्टार्टर चेंज किया जाता है, उसकी जानकारी आपके प्रोडक्ट में। ये जो देखो पुराना वाला स्टार्टर है, इसका जो स्टार्टर जो है जो एल्युमिनियम का कोयल था उसमें जो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, हम इसकी जगह में न्यू स्टार्टर ले गया हूँ। हम इस जगह में न्यू स्टार्टर लगाने वाला है। ये जो देखो पुराना स्टार्टर है हम साइड में कर दिया हूँ। ये जो देखो न्यू स्टार्टर है, स्टार्टर स्वास्तिक कंपनी की है जो है, यह हाई स्पीड सीलिंग फैन की है। ये जी देखो इस तरह से आता है, इसके पैकिंग में आपको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है आपको इसमें पूरे ए टू जेड आपको जानकारी दूंगा कैसे इसका इंस्टॉल किया जाता है। इसमें 3 लीड वायर रहता है, 3 लीड वायर कौन सा नाम है इसका, जो कैसे है दोनों सेम तरह से है। देखो वो जो 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 पुराना वाला जो था एल्युमिनियम का था, ये जो कॉपर वाला वायर है मैं बैंड किया है। ये जो पीछे तरफ जो नीचे का बेरिंग लगता है उस तरह से सेफ्टी के लिए, इसमें डस्ट वस्ट नहीं लगने के लिए अच्छी पहले से दिया रखता है। ऊपर नीचे दोनों स्विच है, जिसमें बेरिंग लगने वाला था उस साइड लगा के रखता है। हम उसकी जगह में अभी इसको इस तरह से इसको स्टेटर को इंस्टॉल किया जाता है। स्टेटर इंस्टॉल करने का पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में बने रहे दिखाऊँगा किस तरह से इसमें स्प्रिंग को किस तरह से लगाया जाता है, स्प्रिंग का काम क्या है, इसका जानकारी आपको। पहले तो हम उसको न्यू स्टार्टर को पहले टेस्ट कर लेना है पूरी तरह से ठीक है या नहीं, टेस्ट करके उसके लगाना चाहिए। हम इसको 3 लीड वायर है उसमें टेस्ट कर लेता हूँ। पहले एक वायर को रेड पे टच किया, उसके बाद बॉडी में टच करता हूँ बॉडी में कोई शॉर्ट है या नहीं। 3 ओवर में एक बार टच करके देखता हूँ शॉर्ट है या नहीं। उसके बाद रेडर ब्लू में टच किया, उसके साथ येलो, उसके बाद ब्लू और येलो का टच किया तो ये जो स्टार्टिंग रनिंग थोड़ी कम जल रहा है, ये स्टार्टिंग रनिंग है। अभी तो स्क्रीन का हम पहले इससे सेट लगा लेते हैं, उसके बाद इस तरह से लगाना है। लगाने के बाद हम इस तरह से लगाना है आपको, जिस तरह से लगाता है आप जिस तरह से लगा लेना है सही तरह से लगना चाहिए। इसे दबाने से आपको ऊपर नीचे होना चाहिए, आपका स्प्रिंग पूरी तरह से लगा उनका पता चल सकता है। इस तरह से टेस्ट कर लेना है। इसके बाद हम ऊपर की बॉडी को किस से लगाऊंगा देखो, हम अभी ऊपर की बॉडी को उसको लगा लेता हूँ। इस तरह से हम लगा ले हैं, अब भी इस तरह से लगा लेना। इसको बाद पेस कर लेता हूँ, उसको दबा लेता हूँ। उसको दबाने के बाद उसको स्क्रू टाइट कर लेना है देखो। उसके बाद हम स्क्रू सारे स्क्रू उसको टाइट कर लेता हूँ देखो, स्क्रू टाइट कर लिया। हाँ, हाथ से घुमा से पूरी तरह से फ्री लगना चाहिए देखो, पूरी तरह से फ्री है। इस तरह से अभी टेस्ट कर लेना है देखो। अभी 3 ओवर को टेस्ट करके उसके वायरिंग कनेक्शन को बताऊंगा। उसके बाद हम यहाँ से और एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, लगाने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ या नहीं देखो, पूरी एक बार टेस्ट कर लेना। उसके बाद पूरी डिटेल्स में इसके 3 ओवर की जानकारी दूंगा देखो। पहले रेड और उसके बाद ब्लैक को टच किया तो ब्लू में, वो ब्लू में टच किया तो थोड़ा ज़्यादा जल ग्लू होने लगा। जिसमें ज़्यादा ग्लू हो रहा है उसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग है, जिसमें कम ग्लू हो रहा है वो जो रनिंग बाइंडिंग है। स्टार्टिंग और रनिंग में कैपेसिटर लगने वाला है जो देखो, ये स्टार्टिंग और रनिंग है। जिस तरह से टेस्ट कर सकते कहाँ कहाँ से कौन सा लगाना चाहिए आपको भी बताऊँगा कैपेसिटर में। हम इसको दो येलो वायर जो 2.50 का एमएमटी का कैपेसिटर है, इससे ज़्यादा नहीं लगाने का है। मैं इसको कैपेसिटर पर लगा लिया हूँ। उसके बाद वाइट दो वायर आ रहा है जो कैपेसिटर में, इसको हम येलो और ब्लू में उसको बुकिंग कर लेते हैं। उसके बाद हल्का हल्का टेस्ट काट के उसको हम उस कनेक्टर में लगाना चाहिए देखो, कौन सा वायर कहाँ लगाना है अभी देखो। हम येलो और ब्लू को कहाँ कहाँ लगाना है और रेड कहाँ लगाना है देखो। पहले इसको जो कौन सा वायर लगाऊंगा अभी देखो, अगर रेड या रेड जो है ऊपर या नीचे आप जहाँ भी दे सकते हो रेड वायर, अगर ऊपर में देने से भी चलेगा या नीचे से देने से भी चलेगा। पहले हम इसको रेड वायर को पहले लगा देता हूँ। इसका जो कनेक्टर का वायर है उसको देखो, हम रेड वायर को ऊपर में लगा दिया हूँ।
हेड वेड ऊपर लगाने के बाद हम जो लोअर है उसमें मिडिल में जो बीच में लगा देता हूँ। उसके बाद ब्लूअर बचा है, ब्लूअर को जो नीचे में लगा लेता हूँ। स्पिनर अभी पूरी तरह से स्पिनर में लगा रहे, उसको अच्छी तरह से उसको टाइट कर लेना है। उसको टाइट कर ले लें। उसके बाद अभी देखो पूरी तरह से ब्लू येलो रेड ब्लू को नीचे में, उसके बाद येलो को उसके बाद रेड ऊपर में दे दिया हूँ। इस तरह से अभी न्यू स्टिकर या वायरिंग कनेक्शन करना है, जो आपके सिरिंज में एक बार टेस्ट करके आप उस तरह से लगा सकते हैं। हमारे के पास तो वायरिंग कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है, इसको एक बार टेस्ट करके आपको दिखाऊँगा। इसको टेस्ट करके उसको टच करूँगा घूम रहेगी, देखो पूरी तरह से ठीक है। इस तरह से घूमना चाहिए, नहीं तो उल्टा घूमेगा। पीछे जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। इस तरह से टच करने के बाद अभी इसको टेस्ट करेंगे तो किस तरह से घूम रहा है, देखो पूरा एंटी क्लॉक साइज आए एंटी क्लॉक साइज घूम रहा है, इसको पता चलेगा। देखो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। आप भी इस तरह से आसानी से आप घर में उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। न्यू स्टेटर आप खरीद के, इसमें स्टेटर 300 से 300 के आसपास वो जो स्टेटर आ जाता है, आप आसानी से उसको रिपेयर कर सकता है। उसको आप रिपेयर करने जाएगा तो 600 या 500 लेगा, उसको आप खुद करेगा कम।